हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्प्रेडशीट सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो गूगल शीट की है। आइए देखते हैं खास क्या है इसमें। देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है और आंसर भी आपको तो ऊपर दिख ही रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये आंसर आया कैसे। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये दिया गया, देखिए यहां डिवाइड दिया गया, क्या देखना चाहिए। सबसे पहले देखिए, ये देखना चाहिए बोडमॉस का रूल लगाना चाहिए। तो बोडमॉस जैसे कि ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो बिल्कुल बोडमॉस के ही रूल से चलना है। तो यहाँ कोई ब्रैकेट तो है नहीं, यहाँ डिवीजन है। तो सबसे पहले डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया और लास्ट में सब्ट्रैक्ट किया। इसी के आधार पर ये काम करता है। तो ये कैसे कैसे काम करेगा देखिए, वही आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक स्क्रीन शॉट मैंने लिया है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 6.6/4 का क्या आएगा, 6/4 का आएगा 1.5। देखिए ये 1.5 हो जाएगा, सीधा आंसर है। देखिए फिर यहाँ प्लस कीजिए, फिर यहाँ क्या करना है, प्लस करके -2 करना है, ये -2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 7 और ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। अब ये आसान हो गया। अब यहाँ देखिए 2 -2 + 1.5, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 21 पहले लिखता हूँ और फिर यहाँ -2 है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ -0.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -0.5। तो 21 में से -0.5 को अगर घटाते हैं तो क्या आएगा आंसर, तो हमारा 20.5 ही आएगा। तो यही हमारा आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं, एक बार चलते हैं वहां पे, यही आंसर आया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसको अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये देखिए 20.5। तो आपको आंसर ऐसे ही प्रिडिक्ट करना होगा। थोड़ा सा कॉपी पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। आई होप की बात समझ में आई होगी। ओके।